बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज की वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है, आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सबका सिलेबस एक जैसा है, जिसका भी सेमेस्टर वही है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सिलेबस को चेक कर लीजिए, जैसे कि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, आप जो मार्केट से गैस पेपर क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं उसमें आप चेक कर लीजिए, या फिर आप नोट्स पढ़ाई है तो उसमें चेक कर लीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया क्या मिल रहे हैं, बस मिल रहा है तो बस इतना याद रख लो, मिल रहा है ना तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही पढ़ लो, कुछ और मत पढ़ना पक्का। और आप अभी जो भी आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपके क्लासमेट है कोई भी, एनीवे जो भी छात्र है, उस सभी को आपको बता दो पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वही पढ़ लो, काम हो जाएगा, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, 85% प्लस की तो गारंटी में लेता हूँ, प्लस की बात करूंगा नीचे की तो बात ही मत करो, 85% प्लस की टॉपर आप बनने वाले हो। टॉपर कौन बनेगा? आप बनने वाले हो 2022 के, 2000 किसके? 22 के। तो आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, पेपर हैकर को करो, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, उसके बाद बात करेंगे। सब्सक्राइब करो, कर लिया सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को प्रेस कर देना साथ में, बेल आइकन को प्रेस करो, चलो कर लिया, चलो ठीक है कर लिया तो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, देखो अब क्या करना है, ध्यान से देखो मेरी बात को, यहाँ है क्या है बेटा, यहाँ क्या है, ध्यान से देखो मेरी बात को, क्या है यहाँ, क्या है यहाँ है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, क्या है बॉटनी का पेपर लेके आए, बॉटनी का पेपर, केमिस्ट्री जूलॉजी का पहले डाल रखा है, फिजिक्स का भी डाल दिया, बॉटनी का देख लो फटाफट, बॉटनी का लास्ट पेपर काम हो गया, लास्ट पेपर है, काम हो गया तुम्हारा। देखो अब क्या करना है, आपको 2022 में बस इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बाकी कुछ नहीं देखना, ठीक है। और बाकी इसके नोट्स, जो छात्र नोट्स डाउनलोड करना चाहता है, नोट्स को पेपर हैकर, पेपर हैकर, पेपर हैकर, पेपर हैकर, पेपर हैकर एक हमारी वेबसाइट है .in, पेपर हैकर .in, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, पेपर हैकर .in लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टच करो तुरंत नोट्स को डाउनलोड करो, तुरंत तुरंत जो क्लास के हो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो तुरंत, ठीक है। अब देखो क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स है, बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत कम पैसे में, बहुत शॉर्ट में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, चाहे वो बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम है, सबके लिए। यहाँ देखो कह रहा है रिक्सिया, पहला क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे, पहला क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे रिक्सिया, ये क्वेश्चन लॉन्ग में है, ये क्वेश्चन कहाँ होंगे, ये क्वेश्चन लॉन्ग में। देखो रिक्सिया के जीवन चक्र का संचित वर्णन करना है, उसकी सुकाय मतलब जैसे हम थेम्स बोलते हैं उसका भी वर्णन करना है। अब देखो, अब आप कहेंगे कि सर ये लॉन्ग में कैसे, देखो लॉन्ग की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, इसमें तीन चार चीजें को ऐड किया गया है, जैसे क्या है रिक्सिया है उसके जीवन चक्र के बारे में बताना है, साथ ही साथ उसका संचित्र मतलब कि चित्र भी बनाना है, और वर्णन करने के बाद साथ साथ उसको थैलम्स के बारे में बताना है। तो ये तीन चीजें एक साथ पूछी गई हैं, तो ये लॉन्ग में बनेगा। यही यदि पूछता कि रिक्सिया के जीवन चक्र बताओ तो ये शॉर्ट में बन जाता, यह आपसे पूछ लेता जो रिक्सिया है उसका संचित वर्णन करो, केवल चित्र बना दो तो ये शॉर्ट में बन जाता, लेकिन हमसे तीनों जब एक साथ पूछता है ना तो ये लॉन्ग में बनता है, ये पहचान होती है लॉन्ग क्वेश्चनों की, ठीक है। लंबा क्वेश्चन होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब देखो यहां है मार्केशिया के जीवन चक्र, उनका संचित वर्णन की है, और उनके लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता देना है, कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यह है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन लिख लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलो चलो बहुत बढ़िया। यहां देखो है बात करें हॉर्नबॉर्ड की जीवन चक्र के बारे में, हॉर्नबॉर्ड के जीवन चक्र पढ़ लेना, बस खत्म, बस खत्म हो गया, बहुत ज्यादा ब्रैकियोफाइटा के, ब्रैकियोफाइटा के देखो यहां कह रहा है ब्रैकियोफाइट्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो वर्धि जनन होते हैं, वर्धि जनन होते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ आपने देखना है ग्रैमी और ग्रैमा, ग्रैमी और ग्रैमा कप, ग्रैमी और ग्रैमा कप, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रैमी और ग्रैमा कप बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। बात खत्म यहां से इतना, ठीक है। और राइनिया के कहानी के सुंदर राइनिया के बारे में और टेरिडोफाइट्स, देखो ये टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन। और यहाँ राइनिया के कई और प्रजनन भागों का खोज किसने की, अंतरिक्ष रचना के बारे में पूछा गया है। तो यदि आपके बुक में ये क्वेश्चन दे रखा हो तो पढ़ लेना, ना दिया हो तो छोड़ देना, बात खत्म करो, ओके चलो। उसके बाद क्या है विषम, कह सकते हैं विजड़ता क्या होती है आपको ये बताना है। देखो यह हेटरोस्पोरेटी क्या होती है, इसके महत्व, और आप देख रहे हैं ना सीड हैबिट,
जिसे हम बीज स्वभाव कह सकते हैं। बीज का स्वभाव, कोई हम बीज बोते हैं वो कैसे देखने में स्वभाव कैसा होता है वो आपसे पूछा गया है। हैबिट के बारे में पढ़ लेना, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा, ठीक है। और ये है साइकस के, ये क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट में बनेगा, ये वाला साइकस के वर्णक की आंतरिक संरचना, ये शॉर्ट में बनेगा क्वेश्चन, पढ़ के जाना, रट के जाना इस क्वेश्चन को। चलो, आंतरिक जीवों की आर्थिक महत्व, आंतरिक जीवी जो पौधे होते हैं उनके आर्थिक महत्व के बारे में बता देना है। और साइकस की पत्ती के अनुप्रस्थ, देखो साइकस की यदि पत्ती को काटा जाए तो वो कैसे दिखाई देगी, उस कार्ड के अनुप्रस्थ कार्ड के बारे में आपको, मान लीजिए पत्ती है इसको किस तरीके से ऐसे छेद वगैरह होते हैं बीच में इसके तरीके से, तो वो आपको एक बार जब आप इसका आप माइक्रोस्कोप से द्वारा देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आप प्रैक्टिकल करना, आपके टीचर प्रैक्टिकल कराएंगे आपके कॉलेज में, ठीक है। ना कराएं तो एक बार गूगल पर सर्च कर लेना, वो आपको दिखा देगा किस तरीके से होती है, और वही आपको इमेज बनानी, बाकी कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन पढ़ लो, जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म क्या है, उसके प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इम्प्रेशन, और साथ ही साथ इम्प्रेशन बोला गया यहाँ पॉल, और देखो यहाँ है एक होते हैं जिसे हम बोलते हैं पूरा वस्त्र कह सकते हैं, देखो यहाँ बोला गया है पॉलियो बॉटनी, ये पॉली बॉटनी को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो होता है पूरा वनस्पति विज्ञान। पूरा वनस्पति विज्ञान मतलब बहुत पहले की वनस्पति विज्ञान, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। पहले जीवाश्म अध्ययन का मतलब वही आपको बता देना, जो आप जीवाश्म अध्ययन में पढ़ेंगे ना, जीवाश्म में पढ़ेंगे वही आप पॉलियो बॉटनी के अंतर्गत पूरा लिख देंगे, काम हो जाएगा आपका, क्योंकि वही पुरानी विज्ञान में क्या दिया गया, वनस्पति कैसी थी, क्या था, कौन सड़ा, क्या हुआ, ठीक है, वही सब कुछ आपको यहाँ बता देना है, ठीक है। तो यहाँ तना किस प्रकार होता है इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये पढ़ेंगे, देखो ये तना वाला छोड़ देना, किसे कहते हैं सब जानते हैं आप लोग, सब बना बना के लिख देंगे। पुष्पक्रम क्या होता है उसके प्रकार को देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुष्पक्रम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वर्णक को देख लेना, और इसके बाद में है साधारण ऊतक कारक को छोड़ देना है, और उसमें जटली ऊतक संजंग ऊतक ये वाला पढ़ लेना, ये वाला देख रहे हैं ना, जाइलम और जटिल ऊतक हम संबंध ऊतक, इसके बारे में आपको देख के जाएंगे, ठीक है। और आप ये देखना है ये वाला विभाजकता मेरिस्टम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, मेरिस्टम बोलते हैं इसको, मेरिस्टम याद रखना इसको, इंग्लिश में विभाजकता को मेरिस्टम बोलते हैं। ये है पेरिड्रम और कैम्बियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैम्बियम के कार, यहाँ देखो कैम्बियम के कार दे दिए। ये क्वेश्चन इतना जो आप देख रहे हैं ना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरा पेपर में छपता है, पूरा क्वेश्चन पेपर में छपता है, वो भी शॉर्ट में, कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम क्या है, पेरिड्रम क्या होता है इसके बारे में, और विभाजकता ये तो पूछा जाता है, ये वाला मेरिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रभावी ऊतक को छोड़ देना है, परिचर्मा को क्या होता है, परिचर्म खड़ा उसको, और ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। असंगत द्वितीय वृद्धि क्या होती है, असंगत द्वितीय वृद्धि, बाकी छोड़वा रहा हूं मैं क्वेश्चन, उसकी बात नहीं करेंगे, असंगत द्वितीय वृद्धि क्या होती है इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये है देखो ये जो आप देख रहे हैं एपोमिक्स, जिसे हम अपसंयोजन या फिर असंगत जनन बोलते हैं, इसके महत्व को पढ़ लेना, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा, ये क्वेश्चन शॉर्ट में 100% पेपर में छपता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और देखो यह है भ्रमण पोष क्या होते हैं, इसके भ्रमण पोष के बारे में आपको देख लेना है, ठीक है, छोड़ो इस बात को, बात खत्म हो गया, चलो नीचे जाओ। भ्रमणता किसे कहते हैं ये मैं ऊपर बता चुका हूं, इसके बारे में बात खत्म, ठीक है। पॉलीलॉजिक पर एक निबंध लिखे, पॉलीलॉजी पर एक निबंध लिख देना, ये शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट में ही बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखने को बोलता है, ठीक है। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में इसको आप पढ़ के जाएंगे। देखो वर्तरंध क्या होते हैं, परागण क्या होते हैं, ये आप देख के जाएंगे, और द्विनिषेचन के महत्व के पढ़े गए, और अनिषेक ये वाला, बस इतना पढ़ के जाना है। और ये है 2022 में आने वाले क्वेश्चन, बस इतना आप अपने बुक में टिक लगा लो, क्योंकि आपको यही आ रहा है, बाकी कुछ बाहर से नहीं आएगा। न्यू मॉडल पेपर 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2022 के लिए, क्योंकि आप 2022 में टॉपर बनने वाले हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय बाय। और नोट्सों को डाउनलोड करने के लिए paperhacker.in वेबसाइट पर जा सकते हैं।